खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको बताते हैं कि आखिर वीर सावरकर पर ये जो ताजा विवाद है क्या है, इसमें इसकी वजह क्या है, ये सब कुछ आपको बताते हैं। देखिए, सावरकर पर ताजा विवाद क्यों है, राहुल ने रेप पर दिए बयान पर कहा कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं राहुल गांधी है। ये उन्होंने कल दिल्ली के रामलीला मैदान में भारत बचाओ रैली में कहा था। नागरिकता बिल पर बहस में कांग्रेस का आरोप, सावरकर ही टू नेशन थ्योरी लेकर आए थे। इस पर यह आरोप कांग्रेस लगा रही थी लगातार सदन के अंदर। और महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के घोषणा पत्र में सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की गई थी। शिवसेना ने भी केंद्र से सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की थी। एक तरफ राहुल गांधी का विरोध हो रहा है, वहीं वीर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने कहा है कि वो राहुल पर अवमानना का केस करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं, राहुल पर अवमानना का केस करेंगे रंजीत सावरकर, वीर सावरकर के पोते हैं। मैं कहता हूं यहां कांग्रेस शिवसेना के साथ है, कांग्रेस यहां के मिनिस्ट्री में तीन नंबर की पार्टी है और ये जानबूझ के शिवसेना को अपमानित करने के लिए सावरकर का अपमान करी, इसमें काफी ये पॉलिटिक्स है। तो मेरी तो शिवसेना से ये विनंती है कि आप कांग्रेस के मिनिस्टर्स को निकाल दीजिए और माइनॉरिटी गवर्नमेंट की बड़ी परंपरा चली है देश में, बीजेपी आपके अगेंस्ट वोट नहीं करेगी मेरा विश्वास है, तो बगैर कांग्रेस के भी आपकी मिनिस्ट्री चल सकती है, आप मुख्यमंत्री बने रहिए मगर कांग्रेस को निकाल दीजिए, ये मेरी मांग है। रेड्डी भोईवाड़ा कोर्ट में क्रिमिनल मामला चल रहा है और हम लोग हाईकोर्ट में अवमानना केस के लिए जा रहे हैं अभी कल के बयान के लिए।